दर्शकों को नमस्कार। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही है कानपुर उत्तर प्रदेश से, जहां ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मंगल सिंह द्वारा पत्रकारों व समाज सेवियों को कोरोना योद्धा के रूप में किया गया सम्मानित। कानपुर नगर में यह सम्मान समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग द्वारा अपने मंडल कार्यालय 88B इस्पात नगर पार्ट 2 कानपुर नगर में 1 नवंबर 2020 को कोरोना योद्धा एवं समाज सेवी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना फाइटर्स एवं समाज सेवी सम्मान समारोह की समाप्ति के बाद दोपहर 2 बजे ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मंगल सिंह के द्वारा समाज हित में उठाए गए अपने कदमों के बारे में जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं, कोरोना फाइटर्स व समाज सेवियों को प्रतीक चिन्ह व मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। सम्मानित पत्रकारों में सौरभ शुक्ला, पप्पू यादव, मुकेश यादव, सौरभ मिश्रा कानपुर देहात, ज्ञान सिंह आदि कई पत्रकार व समाज सेवी मौजूद रहे। कानपुर नगर से संवाददाता प्रवीण अवस्थी की खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। सेना का जिस तरह से सबसे बड़ा सर, ये जो आज का कार्यक्रम है, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? इस हमारे ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग गैर राजनीतिक अभियान द्वारा आज जो कोरोना फाइटर्स एवं समाज सेवी सम्मान समारोह रखा गया था, इसमें जिन लोगों ने कोविड-19 महा आपदा में देश व समाज के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मतलब समाज हित में कार्य किया, जिन लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी उनके पास भोजन पहुंचाया, जिन लोगों को अन्य परेशानियां थी पूरी तरह से उनका सहयोग दिया, उन लोगों को हमने करीब 125 लोगों को हमारी चयन कमेटी ने चुना था, जिनमें से कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार आज हमने 80 लोगों को ऑपरेशन कोरोना फाइट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है, और इनमें से करीब 75% ऐसे लोग हैं जिनको हम उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के पास उनके नामों को भेजेंगे ताकि उन्हें प्रदेश एवं भारत सरकार से भी सम्मानित कराया जा सके, जो देश और समाज हित में है।